सकाल बायोटेक लैब्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको घर पर बिना किसी पैसे लगाए हुए आसानी से बायो पेस्टिसाइड कैसे बनाएं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बायो पेस्टिसाइड एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और जो बहुत से इंसेक्ट्स हैं जो पौधों पे, प्लांट्स पे, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे अटैक करते हैं पेस्ट के रूप में, उनको बायोलॉजिकली कैसे किल किया जाए, कम किया जाए, समाप्त किया जाए, उसके लिए बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है जो नेचुरल रहता है, प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल, सिंथेसाइज टॉक्सिक केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे पेस्टिसाइड्स को हम बायो पेस्टिसाइड्स कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि नीम के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में अजाडिरिक्टिन पाया जाता है और इस अजाडिरिक्टिन में एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी इंसेक्ट्स रिपेलेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से नीम का प्रयोग हमारे आयुर्वेद में हजारों सालों से बताया गया है, जो कि नीम की पत्तियों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसमें डाइजेशन ठीक रहता है, लीवर की बीमारी ठीक होती है और उसके साथ साथ में ये बैक्टीरिया को किल करता है और आपके हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और स्किन, त्वचा संबंधी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे नीम का लेप लगाने से बहुत अधिक आराम मिलता है। तो नीम में सब तरीके के गुण पाए जाते हैं, परंतु आज हम आपको उसकी पत्तियों को किस तरीके से हम उसमें से बायो पेस्टिसाइड के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही इष्ट है, जो आपके पौधों को या फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उसमें उसको ये दूर भगाने में काम करता है, एक तरीके से इंसेक्ट रेपिलेंट के रूप में काम करता है। ये नीम की पत्तियां पौधे से, नीम के पेड़ से निकाल करके, तोड़ करके हम लाए हैं और इसमें आप देखिए, इसमें इसके फल भी लगे हुए हैं इस तरीके से, जिसे निबोली कहते हैं, आम भाषा में इसको निबोली कहते हैं। और ये फ्रूट्स हैं इसके, ये काफी जूसी रहते हैं और इसमें कई बार लोग इसको अब इस फल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 12 महीने नीम के पौधे में उपलब्ध रहती है, तो आप हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आपको नीम के फल के लिए एक निश्चित सीजन में ही ये फल, क्योंकि इसमें होते हैं साल में एक बार, तो उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए नीम की पत्ती से आप किस तरीके से बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं उसकी विधि हम आपको बता रहे हैं। ये हमने एक बर्तन ले लिया है, इस तरीके का है, इसमें नीचे छेद है, तो इसके अंदर हम इन पत्तियों को इस तरीके से आप धीरे धीरे करके आप अलग कर लीजिए, निबोली को अलग रख लीजिए। आप इस निबोली के सीड्स यदि पके हुए हैं तो इनको आप लगा सकते हैं, इससे नया पौधा जर्मिनेट हो सकता है, इसका वेस्ट नहीं है, चाहे वो पत्तियां हो, तना हो, इसका फूल हो या फल हो, औषधि गुणों से भरपूर है। पत्तियों के अलग करने के बाद में ये जो उसकी डंठल बच जाती है, वेन्स हैं, इनको भी आप इस तरीके से इसमें काट के और मिला दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी ये जो ब्रांचेज हैं, इनको भी आप चाहें तो उसको काट करके इसमें से, यदि आप चाहें तो पत्तियों का, ब्रांचेस का और डंठलों का वजन आप कर सकते हैं। अब ये टोटल जो बायोमास है नीम की पत्तियों का, उसकी डंठलों का, उसका हमने वजन किया है जो करीब 80 ग्राम के आसपास है,
वजन करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आप इसको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कभी करना चाहते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि आपने कितने ग्राम पत्तियां ली थी, कितने मिलीलीटर पानी में आपने उसको उबाला और फिर फाइनल कितना बचा, ताकि आप कंसंट्रेशन एजाडेरिक्टिन का कंसंट्रेशन या इसमें जो पेस्टिसाइडल इंग्रेडिएंट है उसके कंसंट्रेशन का आप अनुमान लगा सकें। तो अब इन पत्तियों को हम दो बार साफ पानी से धो देंगे। अब एक बार उसको साफ पानी से पत्तियों को धो लेते हैं ताकि इसमें कोई ऊपर से डर्ट वगैरह लगा हो या कोई इन्फेक्शन थोड़ा सा हो वो दूर हो। अब ये स्टील का साफ बर्तन लेकर के हम इसमें इन पत्तियों को इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इसमें ये एक लीटर पानी, ये एक लीटर फिल्टर्ड पानी है, इसको हमने इसमें अब इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है उबलने के लिए। इसको हम उबालेंगे और जब ये 10 मिनट ये उबल जाएगा फिर इसको ठंडा करके हम छन्नी से फिल्टर कर लेंगे। अब 10 मिनट उबालने के बाद आप देखिए इसमें नीम की पत्ती का एक्सट्रैक्ट निकल आया है। इसको अब हम ये स्टील की छन्नी से या आप साफ कपड़े से भी छान सकते हैं। अब इस तरीके से हमने इसको छान लिया है और जो पत्तियां ये बच गई हैं इसको फेंकना नहीं है, इसको हम मिट्टी में पौधे के चारों तरफ डाल देंगे तो ये मिट्टी में भी इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट के साथ साथ में उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। अब इस स्टेप को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम या तो बोतल में किसी भी इसको स्टोर कर लेंगे और नहीं तो हम इसको फिल्टर में स्प्रेयर में डाल देंगे और फिर उसमें डाल करके हम पौधे के ऊपर इनको स्प्रे कर देंगे। वाइल्ड नीम एक्सट्रैक्ट को ठंडा हो जाने के बाद हम इसको मसलिन क्लॉथ से एक बार और छान लेते हैं ताकि इसमें किसी तरीके के ऐसे पार्टिकल ना रह जाएं जो कि स्प्रेयर के नोजल में किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न करें। तो आप देख सकते हैं ये मसलिन क्लॉथ है और छान लिया। आप इसके कलर को देख सकते हैं, ब्राउन कलर का हो गया है पानी। और अब ये हमने बॉटल स्प्रेयर ले लिया है और इस बॉटल स्प्रेयर में हम इस एक्सट्रैक्ट को इस तरीके से इसमें भर देते हैं। आप देख सकते हैं आपका बायोपेस्टिसाइड नीम लीफ एक्सट्रैक्ट बाय बॉइलिंग मेथड ये आपका निकल के तैयार हो गया है। अब हम इस एक्सट्रैक्ट को हर 7 दिन के ऊपर इस एक्सट्रैक्ट का, इस बायोपेस्टिसाइड का आप अपने वेजिटेबल और फ्रूट्स पे छिड़काव करते रहें ताकि उसमें जो इन्फेक्शन है या उसके ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं वो दूर हो सके, कम हो सके, समाप्त हो सके। तो ये ऑर्गेनिकली प्रिपेयर्ड है, ये ऑर्गेनिक बायोपेस्टिसाइड है, इसका छिड़काव हर 7 दिन के ऊपर अपने पौधों के ऊपर करना चाहिए। अब हम आपको इसको पौधों पे छिड़क करके भी दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे ये टिंडे के पौधे हैं इसमें ये कुछ इंसेक्ट लग रहे हैं पेस्ट की तरह और ये पत्तियां भी इनकी खराब हो रही हैं। तो अब इसके ऊपर हम इस नीम लीफ एक्सट्रैक्ट जो हमारा नीम बायोपेस्टिसाइड है इसको अब हम इस तरीके से छिड़क देंगे। जहां जहां संभावना है सबके ऊपर इस तरीके से हर 7 दिन के ऊपर
अपनी फसलों पे छिड़काव करना चाहिए। अब ये बची हुई नीम की पत्तियां, इसमें से हमने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है, इसको फेंकना नहीं चाहिए, इनको इन गमलों में हम डाल देते हैं ताकि ये यहाँ भी इसका अपना बायोपेस्टिसाइडल इफेक्ट सॉइल में भी देंगे, पौधे की भी रक्षा करेंगे और साथ साथ में डिग्रेडेशन होने के बाद में ये न्यूट्रिशन भी सॉइल में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इनको बिना फेंके हुए आप इनको गमलों में डाल दीजिए। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल त्रिकाल बायोटेक लैब को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें। मुझे आपके सुझावों की हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।